अब अपना करियर किक स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, वो भी 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कई स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। आपको कोई प्री कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स आपको आपकी इस करियर जर्नी में साथ देंगे। येलो गैप एजुकेशन सोसाइटी ने अडोबे और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है। अगर आप करियर को लेकर परेशान है तो यहाँ आपको 100% फ्री करियर काउंसलिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉन्टैक्ट करें। लाउडस्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने की खारिज। कहा, तुम्हारा डीजे और आरती क्या प्रदूषण नहीं फैलाते? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 नवंबर मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और उनके सहयोगी जज अनिरुद्ध माई, इनकी बेंच के सामने गुजरात में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई। जनहित याचिकाकर्ता के वकील ने लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजानों पर पाबंदी लगाने की इस याचिका के जरिए कोर्ट के सामने मांग, जिसमें सुनवाई के दौरान इस याचिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट सुनीता अग्रवाल और उनके सहयोगी जज अनिरुद्ध माई ने इस याचिका से असहमति जताई, क्योंकि इस याचिका में साइंटिफिक वे के किसी भी तरह के कोई प्रे और ग्राउंड्स नहीं थे, कोई वहां पर मुद्दे नहीं थे। अजान जो है वो केवल 5 मिनट से 10 मिनट के लिए चलती है और उससे कितना नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, कितने डेसिबल आवाज पर रहने के बाद ये नॉइज पॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी ब्यौरा या विवरण या आंकड़े इस याचिका में नहीं दिए गए थे। इस पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने खासकर याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि 5 मिनट से भी कम समय या 10 मिनट से भी कम समय में दी जाने वाली अजान से, जो कि लाउडस्पीकर पे दी जाती है, उससे कितना नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, क्या आप आंकड़ों के जरिए यह साबित कर सकते हैं? हमें तो लगता है कि आपकी आरती, डीजे, मंदिरों में होने वाले घंटे, घड़ियाल की आवाजें जो मंदिरों के बाहर भी जाते हैं, वो सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं रहते, तो क्या इससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है? ऐसे सवालों की बौछार कर दी। याचिकाकर्ता के वकील जो है, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट हवाला भी दिया, तो बेंच ने साफ तौर पर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच का जजमेंट हम पर यहां लागू नहीं होता है। हम यहां पर आपको बता दें कि इस याचिका में किसी भी तरह के कोई साइंटिफिक ब्यौरा न होने पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और अपने ऑर्डर में जो है इस पर स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की है। कुल मिलाकर के गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जस्टिस ने किस तरह से ये याचिका खारिज की है, उसका ये जजमेंट का विवरण भी जो है इसमें हम आपको लिंक इसकी जोड़ कर देंगे, जिसे आप पूरी तरह से पढ़ भी पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका के खारिज किए जाने से ये विषय फिलहाल चारों ओर एक बार चर्चा में आया हुआ है, क्योंकि देश भर में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, महाराष्ट्र में मनसे के राज ठाकरे और अन्य कई हिंदूवादी नेता अक्सर मस्जिदों में अजान जो दी जाती है लाउडस्पीकर पर, उस पर पाबंदी लगाने की मांग करते हैं। और इसमें डेसिबल जो होता है, आवाज के डेसिबल का जो प्रमाण होता है, वो आमतौर पर खास करके देखा जाता है, मगर इस याचिका में तो उसका कहीं भी उल्लेख नहीं था। कई बिंदुओं पर असहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा कि कई वर्षों से आस्था और धार्मिक प्रथा के तहत अजान देने का यह काम चल रहा है, महज आपकी मांग के चलते इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।